एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बारे में। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, ये कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि मिला जुला रूप होता है दो टूर्नामेंट का। ठीक, सपोज़ कीजिए हमारे पास कई सारे टीम्स हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए कई सारी टीम्स हैं तो उनको हम चार जोन्स में बांट दे रहे हैं। ठीक, जैसे हमने चार जोन्स में बांट दिया, इसको अच्छे से समझिएगा। अब ये इस जोन के जो भी प्लेयर्स थे, जो भी टीम्स थी, उन्होंने खेला गेम्स। ठीक है, और उनमें से एक विनर टीम यहाँ पर आ गई, और फिर इनमें से एक विनर टीम आई। इसी तरीके से अदर्स में से भी विनर टीम आती रही। अब ये चार जोन्स में से चार विनर्स निकले हैं, फिर ये इनसे जब इनका मैच होगा, ठीक है, अब इसी तरीके से जो फाइनल में विनर्स बचेंगे, इनका तो है नॉकआउट। ठीक है, नॉकआउट बेसिस पे हमने कराया मैच। ठीक, इन चारों जोन्स में जो भी टीम्स थी उनका नॉकआउट बेसिस पे हुआ। अब ये जो फाइनल दो विनर्स बचेंगे ना, ठीक है, दो विनर्स का हम फिर से नॉकआउट बेसिस पे ही कराएंगे। तो ये तो हो गया नॉकआउट कम नॉकआउट, यानी कि हमने जब इन जोन्स में बांट दिया था टीम्स को, और जो भी फाइनल दो विनर्स निकल कर आए थे, दो टीम्स निकल कर आई थी विनर के रूप में, उनको हमने नॉकआउट के बेसिस पे कराया, यानी कि पहले नॉकआउट और फिर से नॉकआउट। तो ये तो हो गया नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट। अब देखते हैं इसी तरीके से नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट होता है। यानी कि सपोज कीजिए पहले नॉकआउट मैचेस कराए जाएंगे, यानी कि पहले नॉकआउट के बेसिस पे उन टीम्स को जो है खिलवाया जाएगा। ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे वो प्लेयर्स नॉकआउट के बेसिस पे, फिर उनमें जो फाइनल टू विनर्स रहेंगे, ठीक, उनको जो है वो लीग टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग खिलाया जाएगा, लीग टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही लीग कम लीग टूर्नामेंट में क्या होगा, पहले जो टीम्स होंगी वो लीग टूर्नामेंट के बेसिस पे खेलेंगी, यानी कि ये वाले जो लीग टूर्नामेंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे खेलेंगी। अब उनमें से जो फाइनल विनर्स होंगे, वो जब आपस में जो है एक दूसरे को डिफीट करने के लिए करेंगे, ठीक है, खेलेंगे, तो फिर से वो लीग टूर्नामेंट ही खेलेंगे, उनको नॉकआउट वगैरह पे नहीं खिलाया जाएगा, लीग टूर्नामेंट पे खेला जाएगा। तो उसको हम कहते हैं लीग कम लीग टूर्नामेंट। ठीक, समझिएगा अच्छे से, वीडियो को बार बार देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इनका डिफरेंस। बहुत ईजी है, ठीक है। फिर आता है लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि पहले जो सपोज़ कीजिए जितने भी ये टीम्स हैं, ठीक है, अब ये जो चार टीम हैं इनमें से ये दो विनर आ गए, मतलब एक एक विनर यहाँ पे आ गया। ठीक, ये दोनों खेले आपस में, तो ये दोनों जो खेले वो लीग के अकॉर्डिंग खेले। ठीक, ये भी लीग के अकॉर्डिंग खेले, मगर इनके जो विनर्स आए, ठीक, अब ये जो आपस में लड़ेंगे, आपस में खेलेंगे, वो जो है वो नॉकआउट बेसिस पे खेलेंगे। इसी तरीके से सारे जो चार मैंने आपको यहाँ पे बताए। अब बात कर लेते हैं एक जो फाइनल मैंने आपको बताया था, एक चैलेंज टूर्नामेंट भी होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अब हम बात कर लेते हैं चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चैलेंज टूर्नामेंट। ओके, तो चैलेंज टूर्नामेंट में होता क्या है, देखिए ये ऐसा होता है, सपोज़ कीजिए कि कोई भी एक चैम्पियन होते हैं, ठीक है, पहले से चैम्पियंस होते हैं किसी गेम्स में, जैसे बॉक्सिंग वगैरह में चैम्पियंस होते हैं, तो उनको टाइटल मिल जाता है कि हाँ भाई ये चैम्पियन अभी तक है, इनको किसी ने नहीं हराया है। तो जब तक अब इनको कोई जब चैलेंज करता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब इनको चैलेंज करता है इन्हीं की फील्ड का, तो उसको तो कहते हैं चैलेंजर। ठीक है, यानी कि उसको वो चैलेंज कर रहा है, और ऑलरेडी जो व्यक्ति वहाँ ऊपर बैठा है, जो ऑलरेडी कौन है, एक जो जाना माना बॉक्सर है, ठीक है, सपोज़ कीजिए बॉक्सर का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, तो वो जाना माना बॉक्सर है, उसका टाइटल है उसके पास कुछ, ठीक, तो उसको जब चैलेंज जो करता है वो चैलेंजर कहलाता है। ठीक, तो इसी के जब ये चैलेंज करेगा, फिर इन दोनों में टूर्नामेंट होगा, इसी को हम कहते हैं चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, चैलेंज टूर्नामेंट। तो इस तरीके से ये रहता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बारे में भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, फिजिकल एजुकेशन के ही। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।